Ya prate clase. Sola tin en su chachet. Buriar curicar chela. Rati kirai takumatiana sube kiran yildurni. Rai kate to suna. Aur bachcho ne samjha. Bachcho ke siwaye aur to koi arth samajh nahi sakte. Ye agyan ki raat hai na. गायब भी जाते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात और अभी हम संगम पर हैं ब्रह्मा मुखवंश अली ब्राह्मण लोग सिवाय तुम ब्रह्मा मुखवंश अली ब्राह्मणों के जो कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं कोई इन बातों को समझ नहीं सकते क्योंकि बच्चे जान चुके इस समय मनुष्य मात्र में पांच विकार हैं इसलिए बाप ने समझाया है पांच विकारे विकार वाले मनुष्य तो सब बंदर मिसल तो बंदरों में भी जो बड़े बंदर होते हैं किस्म किस्म के बंदर बंदर अनेक प्रकार के होते हैं एप्स भी होते हैं उनका नाम रखा जाता है और वो मनुष्य जैसे होते हैं उनको सिखलाते हैं चाय पिलाना भी सिखलाते हैं वो एक क्वालिटी होती है तो बंदरों की भी क्वालिटीज होती है मनुष्य से मैं गाए हुए कि बरोबर सूरत मनुष्य की है और सीरत बंदर जैसी अर्थात देखने में सूरत मनुष्य जैसी दिखाई देती है परंतु कर्म बंदरों जैसे है और बाप समझाए कि भारतवासी इस समय में बंदर मिसल हैं फीसस में अनेक प्रकार के जरूर हैं परंतु ये बंदर क्यों बने बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल जो देवी देवताएं थे और थे भी मनुष्य
परंतु सीरत तुम्हारी बड़ी अच्छी थी। सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और तुम विश्व के मालिक थे। फिर इतने विश्व के मालिक और हीरे जैसे मंदिर, तो तुम ऐसे बंदर मिसल कैसे हो गए? ये सवाल तो उठेगा ना। परंतु ये तुमको समझाया जाता है, और मनुष्य अब नहीं समझते हैं। क्योंकि वो अभी तक बंदर के बंदर है। तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कुछ फेरा पाया है। तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। ऐसे भी मत समझो कि हम कोई देवता बन गए। नहीं, अभी ये चेंज हो रहा है, रिजुविनेट हो रहे हैं। तो ये कुछ फेरा है, कोई थोड़ा फेरा है, कोई जास्ती परसेंट में, परसेंटेज में फिरे, कोई 10% फिरे। तो जो सीरत है वो बदलती जाती है। ये बात तो समझते हो ना। दुनिया को तो ये मालूम नहीं है कि भारत तो हेवन था। सो भी भारत को कितना समय लगा, बोलते कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत देवी देवता था। शुद्ध भगवती भगवान भी कहा जाता है। ऐसे गुण थे, भगवान में गुण होते हैं ना। भगवान को कोई निर्गुण तो नहीं कहेंगे ना। निर्गुण का अर्थ है जिसमें कोई गुण नहीं, जो बंदर होते हैं ना, उनको ये कोई अर्थ मालूम नहीं होता है कि निर्गुण का अर्थ क्या है। वो तो निर्गुण भगवान को ही कह देते हैं। और मनुष्य कहते हैं कि मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। वो निर्गुण भगवान को भी कहा जाता है। एक संस्था सुनी है ना निर्गुण बालकों की, निर्गुण जिनमें कोई भी गुण नहीं। अरे देखो कितना अच्छा नाम। मनुष्य समझते ये भी बहुत अच्छा नाम है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। तो जैसे बंदर मिसल है,
मनुष्य को प्रश्न में नहीं आता है कि भला ऐसा जो भारत था कितना ऊंच और हीरे मिसल बहुत बहुत साहूकार अभी इनका ये डाउनफॉल कैसे हुआ ये डाउनफॉल हुआ ना भारत जो स्वर्ग था और यहां देवी देवताएं रहती थी जो बहुत धनवान थी वो इतना इनका डाउनफॉल कैसे हो गया इतना डाउनफॉल जो इस समय वो भारतवासी बिल्कुल ही कंगाल और इस समय इनकी सूरत बिल्कुल एकदम मनुष्य की परंतु सीरत सारी बंदरों जैसी गाया तो वह है ना यही भारतवासी जिनकी सूरत देवताओं की और सीरत सीरत भी देवताओं की थी धर्मश्रेष्ठ थे कर्मश्रेष्ठ थे तो कहेंगे ना देवी देवताओं का धर्म भी श्रेष्ठ था बड़े खूबसूरत थे फिर नाम भी है उनका गोरा और श्री कृष्ण को सिर्फ गोरा थोड़े ही कहते थे नहीं नहीं ये बात इन विचारों को मालूम नहीं है जैसे बंदर बेसमझ उसको कहा जाता है बंदर तो बाप आकर कहते सच सच तुम बंदरों से भी भ्रष्ट बदतर हो बने तो बाप ने आकर के समझाया तो अभी ऐसे कैसे बने तुम्हारा ये इतना डाउनफॉल कैसे हुआ बैठ करके भारतवासी जो बच्चे आते हैं जिन्हें कल पहले भी समझा था और समझा भी सकते हैं तुम लोग समझा सकते हो जो अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं जिनकी कुछ सूरत तो है परंतु सीरत जिनकी कुछ सुधरी भी हुई है अभी सीरत सुधरती कैसे है सूरत तो मनुष्य की है सीरत कैसे सुधरे तो बाप बैठ करके कहते हैं बच्चे तुम जब देवता थे तब आत्मा अभिमानी थे और फिर जब रावण का राज्य शुरू हुआ तो तुम देह अभिमानी बन गए ये बीमारी जो तुम लोगों को लगी है वो सबसे जास्ती बड़े से बड़ी बीमारी लग पड़ी बीमारी का नाम बताया देह अभिमान की बीमारी सतयुग में तुम आत्माभिमानी थे और फिर बहुत सुखी थे
ऐसा आत्माभिमानी तुमको किसने बनाया? इस बात को भारतवासी भी नहीं जानते। देखो, बाप कहते हैं कि मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव मद्याजी भव, अर्थात आत्माभिमानी भव। आगे भी कहा था कि हे बच्चे, देही अभिमानी भव, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है? क्योंकि तुम देह अभिमानी बन गए हो। सोलह 366 की वाणी का दूसरा पेज। भारत जो इतना बंदर मिसल हो गया है, इतना कंगाल बन गए हैं, बर्थ ना के पहले उनका मूल कारण क्या है? अभी तो कोई मनुष्य नहीं समझते हैं, तो सभी देह अभिमानी है, बिल्कुल देह अभिमानी। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले भी देह अभिमानी। तो बड़े बड़े हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष जैसे देह अभिमानी दैत्य है, तो बाप बैठ करके साफ समझाते हैं। तो मूल कारण क्या हो गया? जब रावण राज शुरू हुआ, ड्रामा अनुसार, वर्ल्ड ड्रामा प्लेन अनुसार वो भी समझाते रहते हैं, ये ड्रामा बना हुआ है और इस ड्रामा को मैं ही जानता हूं। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य सब जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। मैं तो जन्म मरण के चक्र में नहीं जान आता हूं, इसलिए मैं जानता हूं। ब्रह्मा भी नहीं समझते कि भला हम जो भारतवासी इतने साहूकार थे, ये इतना गरीब कैसे बन गए? हमको तो कोई आकर समझा नहीं सकता। तो बैठे हुए हैं, हमारा बोई आदि सनातन देवी देवता धर्म है, परंतु हम ऐसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कैसे बने? तो बाप बैठ करके समझाते हैं, बच्चे तुम फिर जो देही अभिमानी थे, तो जब रावण राज शुरू हुआ तब देह अभिमानी बन गए, और देह अभिमानी ऐसा बने जो पूज्य से पुजारी बन गए। जब देही अभिमानी थे तो पूज्य थे, जब देह अभिमानी बने तुम्हारा डाउनफॉल ऐसा होने लगा जो पुजारी बन गए। तो देखो कि सीढ़ी भी दिखलाई है, कैसे ऊपर से डाउनफॉल होकर के नीचे गिर पड़ती है। भारत का इतना डाउनफॉल, बिल्कुल ही भरतनाट्यम पहनी बन गए।
तो ऐसा बनने का मुख्य कारण क्या है? देह अभिमान, अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल गए। तो मुख्य बात हुई देह अभिमान की। बस देह अभिमानी बनने से पीछे देखो, ऐसे एप्स जैसे, ऐप जैसे बंदर होते हैं ना, उनको वन मानुष या मनुष्य कहते हैं, वन का, जंगल का मनुष्य। तो बरोबर ये कांटों का जंगल है ना, यहां बड़े बड़े कांटे हैं दुख देने वाले, जिसको कहते हैं वन बंदर, यानी जंगल का रहने वाला। और बड़े बंदरों को ऐप कहते हैं, वन मानुष, जिनका नाम रख दिया हनुमान, सुग्रीव, बाली। उन शास्त्रों में बैठ करके बड़े बड़े बंदरों का नाम रखा है। जो बाप फिर ऐसे सुग्रीव, बाली, और ये किसको कहते हैं? वो जो बड़े बड़े देह अभिमानी है, वो अपन को श्री से 108 जगत गुरु कहलाते हैं। बस इनसे बड़ा देह अभिमानी तो कोई हुआ ही नहीं ना। कहां वो शिव बाबा, सदात्मिक स्टेज में रहने वाला, सर्व का सदगति दाता, सबका बाप। और वो बड़े बड़े ऐप्स देखो, तो भी बाप बैठ करके कहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं ना, ये समझने की बातें हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य मात्र को ये राजा रानी, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, उनको कोई पता नहीं है। उनको ये बात बुद्धि में आती है क्योंकि उन्होंने भी वो शास्त्र सुने हैं। उनमें सतयुग की आयु आंखों वर्ष ऊपर से लगाई दी, और ऐसे ही कई अभी आजकल के जो अच्छे अच्छे क्रिश्चियंस लोग हैं, वो हैं तो सबसे समझू, इनसे तो समझू है ना। तो वो कहते हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले ये वर्ल्ड पैराडाइज था, अभी वर्ल्ड पैराडाइज था ये बेचारे वो समझ नहीं सकते हैं कि कैसे था। तो प्राचीन भारत ही था, जो पहले पहले प्राचीन भारत था, इसको ही स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है, पैराडाइज।
हेवन भी उनको कहा जाता है, बेस्ट भी उसको कहा जाता है। तो बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि आजकल जो भारत के हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है, और बच्चे भी बहुत हैं जिनमें थोड़ा भी ज्ञान है लेकिन देह अभिमान तो बहुत है। बस मेरे जैसा होशियार ज्ञानी कोई नहीं। ये अपने ही देह अभिमान में चक्रित होते रहते, गिरते भी रहते, क्योंकि देह अभिमान वाले देह अभिमान में नाम रूप में बहुत फंस मरते हैं। जो भी देह अभिमान वाले होंगे ना, वो बहुत मरेंगे। देखो ये सभी स्त्री पुरुष देही अभिमानी थी ना पहले, वो देह अभिमान में नहीं थे जिन्हें देवताएं कहा जाता है। भले स्त्री पुरुष थे ऐसे नहीं है कि उनके पिछाड़ी एक दम मोह था, ये सब कुछ था। अभी तो स्त्री के पिछाड़ी देखो जैसे बंदर है, एकदम मिसाल देते हैं ना बंदरों का, एकदम बंदर, वो कितने खौफनाक हो जाते हैं। कितना स्त्री को मारते हैं, बंदरों के मिसल विकार के लिए मारते हैं, बहुत झगड़ा करते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि भारत की दुर्दशा कैसे हो गई, ये ऐसे भ्रष्टाचारी क्यों बने। सभी भ्रष्टाचारी, कहते हैं भ्रष्टाचारी वर्ल्ड, ऐसे भी नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट भ्रष्टाचारी है या प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचारी है। या इनके असिस्टेंट मिनिस्टर साहब भ्रष्टाचारी है, नहीं नहीं सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि सभी पतित हैं। तो देखो ये बापूजी वो भी कहते थे कि हे पतित पावन आओ, आ करके राम राज्य स्थापन करो। परंतु वो बेचारे को मालूम ही नहीं रहता था कि राम राज्य किसको कहा जाता है और रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो देखो सभी बंदरों की कगार में है, वो किसी को मालूम ही नहीं है कि राम राज्य क्या है। तो वो भी राम राज्य मांग रहा था, 16-3-66 की वाणी का 30 रुपये। अब चूंकि सभी आत्माएं उनको सुख तो चाहिए और वो सुख उनको मिलता है बाप से, तो उस पतित पावन को याद करते हैं कि हे पतित पावन
आकर के हमें पावन बनाओ। ये भी एक कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। देखो ये सन्यासी लोग हैं तो ये भी पतित पावन की तालियां बजाते रहते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो ऐसे थोड़े ही समझते हैं हम पतित हिरण्यकश्यप है, हिरण्याक्ष जैसे हैं। अरे हमारे बच्चे जो अभी एप्स से बदल करके ब्राह्मण बनते हैं, अरे बात मत पूछो, ऐसे थोड़े ही है कि वो कोई देह अभिमानी बन पड़े हैं। मुसीबत तो ये है बच्चों के ऊपर जो देह अभिमान में बहुत आ जाते हैं। बीमारी भी असल यही है, जिसने महारोगी बनाया है, बिल्कुल भरतनाट्य पहनी बनाया। इस बीमारी ने सब कुछ छीन लिया, पाई पैसे जैसे भरतनाट्य पहनी बने हैं, वो सारी देह अभिमान की बीमारी है। और ये बच्चे जानते भी हैं, बरोबार देह अभिमानी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत। अभी समझते तो हैं, तभी बाबा बैठ करके सभी बच्चों को ये भी कहते हैं, बच्चे अपन को घड़ी घड़ी देखो कि हम देही अभिमानी कहां तक बने हैं। जितना देही अभिमानी बनो और इतना ही तुम बाप को याद करो। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, और बाप को याद करने से फिर तुम लोगों को रात दिन बहुत अथाह खुशी होनी चाहिए। अरे हमको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप मिला है, वो गया भी जाता है परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, परमपिता परमात्मा की। जब वो मिल गया, अभी हमको किस प्रकार की परवाह रही। तो बच्चों को खुश होना चाहिए ना। अरे वाह, अभी तो हमको उस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, और वो खुद यही कहते हैं तुम्हारी सत्यानाश हुई है देह अभिमान से। अभी तुमको कह देता हूं, देह अभिमानी बनो और मां में कम याद करो, रहो भी अपने घरग्रस्त व्यवहार में, भले भी जो वानप्रस्थ अवस्था या बंधन मुक्त है सो सर्विस में लग सकती है, परंतु पहले पहले देही अभिमानी का अर्थ समझो। समझो कि मैं आत्मा हूं। इस समय सारी जो दुनिया है वो सारी दुनिया देह अभिमानी। देखो देह अभिमान में है श्री श्री 108 जगत गुरु, तो देह को कहते हैं ना।
हम जगत गुरु हैं। तो देखो धनी नोरी तो कोई है ही नहीं, तो सभी बंदर ही बंदर, दुनिया ही बंदरों की। बाप आकर के अभी समझते हैं, बच्चे समझते हैं ना, अभी सबको समझाना तो बाप का ही फर्ज है, ये तो समझना चाहिए ना। ये जो भारत इतना धनवान था, इतना ऊंच था, वो इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? इनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है? ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन समझावे? इतना डाउनफॉल कैसे हुआ? समझ सकेंगे? और दुनिया में कोई बता सकेंगे क्या? देखो ये मुख्य बात है ना, जब से रावण का राज्य शुरू हुआ और मनुष्य देह अभिमानी से देह अभिमान में आने लगे, अब ये बात तो कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है कि देवताएं कोई देही अभिमानी थे, आत्मिक स्थिति में रहते थे। हाँ ये लिखा हुआ है कि वो देवताएं जानते थे कि आत्मा है, एक शरीर बड़ा होगा उसको छोड़ना होगा, फिर छोटा शरीर लेना होगा। तो आत्माभिमानी थे, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने ही उनको देह अभिमानी बनाया। वही देवताएं देही अभिमानी से देह अभिमानी बन पड़े। तो बाप बोलते हैं मैं आता ही हूं, इसलिए तुमको फिर से देही अभिमानी बनाने के लिए। तो देह अभिमान के कारण ब्रह्मा के प्लान अनुसार ये कुछ काम के नहीं रहे। अभी विदे को बाबा कहते हैं कितना समझाता रहता हूं कि देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम बहुत मीठे बनेंगे। बस अभिमानी बनने से तुम्हारा वो देह में नाम रूप में फंसना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसको गाली देना, लड़ना झगड़ना, फिर भी अपन में समझो ये सब बंदरपना है। अरे बाप तो यही समझाते हैं ना। बाकी ये उनके लिए भी तो ऐसे नहीं है ना, ऐसे तो नहीं कहते ये पूरा देह अभिमानी बन गया है। देखो ये थोड़ा ही उनके लिए कहते हैं, तो बाबा बैठ करके समझाते हैं
और ये भी समझ रहे हैं अभी, समझते हो कि कौन बैठ करके हमको समझाते हैं, कि ब्रह्मा समझाते हैं या शिव बाबा समझाते हैं। अरे भूल जाते हैं, अनुमान में आकर के बाप को ही भूल जाते हैं, देह अभिमानी को देह ही याद रहती है, क्योंकि देह अभिमान में आकर के बस इन ब्रह्म को ही समझ लेते हैं कि यही हमको समझाते हैं। समझाने वाला वो परमपिता परमात्मा शिव है निराकार, ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाप आज बहुत अच्छी तरह से बैठ करके बच्चों को समझाते हैं, सिर्फ तुम नहीं हो, अरे देहाभिमानी तो बहुत बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे देहाभिमानी बन पड़ते हैं। भले ज्ञान में बड़े होशियार हैं, पर देवान देखो, वो लोग देहाभिमानी बन जाएंगे। ज्ञान तो कोई भी बच्चे समझ सकते हैं, और ये दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम कोई को भी समझा सकते हो। तो भले अभी सभी मनुष्य पतित हैं, बंदर हैं, पहले तो देवताओं की दुनिया थी, हिस्ट्री समझना तो बिल्कुल सहज है कि बरोबर पहले पहले सूर्यवंशी राज्य था, बाद में चंद्रवंशी राज्य था, सोलह तीन छियासठ की वाणी का चौथा पेज, बात जरूर है कि खाली उन लोगों को ड्रामा का पता नहीं, समझाने से समझ जाएंगे। परंतु उसे समझाने से कोई ऊंचा पद थोड़े ही पा सकेंगे, जब तक पूरे देही अभिमानी न बने, देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, देह अभिमानी आने से भारत गिरा है, डाउनफॉल हुआ है। तो डाउनफॉल का जो मूल कारण है, मूल जड़ है, देह अभिमान। सुतिया देखते भी हो कितने देह अभिमानी हैं, और इनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि हम देह अभिमानी हैं। हम बच्चों को डायरेक्शन कौन देते हैं वो ही बात भूल जाते हैं। तो सभी बातें समझो, रोज से बाबा ही समझाते हैं, और तभी बाबा कहते हैं कि देखो
कभी नहीं समझो कोई को कुछ कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा। तुमको शिव बाबा याद तो पड़े ना, कौन है अपन को आत्मा तो समझो ना। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हो तुम देवाभिमानी बनते हो और ये इनको ही समझते हो कि सब कुछ बोलने वाले, सब कुछ कहने या समझाने वाले ये ही है ब्रह्मा बाबा, यही हमको कहते हैं बोलते हैं। तो ऐसा देवाभिमानी बनने से तुम्हारी बिल्कुल सत्यानाश हो जाती है। ने तुम्हारी सत्यानाश की है, भारत का डाउनफॉल हुआ है, सब देही अभिमानी से देह अभिमानी आ गए, ऑल वर्ल्ड साधु संत महात्मा सब। अभी ये विचार करने की समझने की बात है ना। अब तो बाबा कहते हैं ना सिर्फ माँ में कम याद करो, यानी देवी अभिमानी बनो। अपन को निश्चय आत्मा करो, तुम आत्मा हो ना। पहले तो मुख्य आत्मा है ना, ये शरीर तो बाद में लिया ना। ये आत्मा सुनती है, कहती है, चलती है, पाठ बजाती है आत्मा। कोई देह थोड़ा ही पाठ बजाता है, तो देह तो पांच जड़ तत्वों का बना हुआ है। आत्मा इस देह द्वारा पाठ बजाती है कि सब बातें तुम भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए, एकदम भूल गए। आत्मा विमान देवताओं में था इसलिए वो देवताएं मोजीत गाए जाते हैं। बाप अभी देखते हैं दिन बीत दिन ये बच्चे भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु मनुष्यों की चलन भी तो देखी जाती है ना। मनुष्य होशियार तो बहुत होते जाते हैं, विज्ञान भी बहुत उठाते हैं, परंतु जो देह अभिमान है ना वो देह अभिमान तो टूटता ही नहीं है। इसलिए फिर फेल हो जाते, यानी वो खुशी, वो नशा जो ईश्वरीय नशा होना चाहिए वो रहता ही नहीं है। पीछे कुकर्मी बन जाते हैं, बड़े बड़े विकर्म हो जाते हैं। विकर्मों के कारण उन बड़े बड़ों की भी हालत देखो क्या हो जाती है। सजाओं की बात भी बाबा बोलते हैं ना, तो देखो हम तुमको पढ़ाते तो देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनने से ही तुमको अवज्ञाएं बहुत होती है,
सौ गुना दंड पड़ जाता है। ये दंड तुम बच्चों के ऊपर चढ़ता आ जाता है तो तुम बहुत कड़ी सजाएं खाएंगे। तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, नहीं तो ट्रिब्यूनल तो यहां भी होती है ना, परंतु ये ट्रिब्यूनल ऊपर में कैसे होगी? तो ट्रिब्यूनल की बात शास्त्रों में थोड़ी लिखी हुई है, नहीं क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तो देखो ये तुम्हारा खाता वहां धर्मराज के यहां भी बढ़ता रहता है, वहां भी मेरा साथ ही धर्मराज है। और यहां भी मेरा साथी है कौन? धर्मराज किसे कहा जाए? धर्म का राजा। कौन धारणाओं का राजा है? ब्रह्मा को ही कहेंगे। तो जो धारणाओं का राजा है वो ही धर्मराज बनता है अंत में। जो तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुमको अच्छा फल मिलता है और अभी तुम बुरे कर्म करते हो तो सजाएं बहुत खाते हो। ऐसे तो जन्म जन्मांतर गर्भ जेल में भी सजाएं खाते रहे। इसकी भी आखनी है। बरोबर एक था, गर्भ में बैठा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, बोलता था मैं यहां आराम से बैठा रहूं। और ये बच्चे तो अंदर में बहुत सजाएं खाते रहते, कहते हमको बाहर निकालो हम फिर पाप नहीं करेंगे। तो ये भी तो दृष्टांत है ना। कहते कृष्ण गर्भ में बड़े आराम से बैठा था, अंगूठा चूसते हुए दिखाते हैं बड़े आराम से था। बात कहते हैं ये सब है इस समय की बातें, शास्त्रों में जो कुछ भी महिमा है या जहां कहीं भी जो गायन है सिर्फ इस समय की महिमा है, गायन है। जबकि बाप आए हैं क्योंकि जो महिमा है वो सिर्फ एक की है, दूसरे कोई की भी महिमा होती नहीं। तब लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती बथ डायमंड।
सब लिखा जाता है। स्मृति सृजंती मिसल जयंती है, तब तो आज भी कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तीन कपड़ों का, तीन रंगों वाला झंडा, तीन मूर्तियों की यादगार है ना। तो त्रिमूर्ति की जयंती हुई थी ना, बाकी तो जो भी जयंती है ना वो बर्थ नाटे पहनी है। क्योंकि और जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर आती है वो सब नीचे उतरती है और सारी दुनिया को नीचे उतारने के निमित्त बनती है। महिमा तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति बाप की है, तो और किसकी महिमा करेंगे, क्या करेंगे। सिवाय एक शिव बाबा के और तो कोई भी पावन नहीं बना सकता। तो पावन बनते हो, पतित बनते हो, फिर पावन बनते हो, फिर पतित बनते हो। लेकिन याद किसको करते हो, पतित बनाने वाले को याद करते हो या पावन बनाने वाले को याद करते हो। अभी तो पावन बनाने वाला कौन है, जरूर कोई एवर प्योर है। ये बात कोई भी बच्चा नहीं जानते, एक भी नहीं जानते। इतने तो देह अभिमानी बन गए हैं यहाँ, वो जो देवताएं देही अभिमानी थे वो भी नहीं जानते थे। तो अभी संगम युग की तुम्हारी देही अभिमानी की दशा 21 जन्म चलती है। और संगम युग में तुम्हारी देही अभिमानी की दशा सदाकाल के लिए तब बनती है जब शिव जयंती होती है। त्रिमूर्ति शिव जयंती बर्थ डायमंड, बाप आकर तुम सबको पवित्र बनाते। तो देखो तुम देवताओं को भी पावन बनाने वाला बाप है, तो बलियारी तो एक बाप की होनी चाहिए। तो कहाँ वो शिव बाबा की बलिहारी और कहाँ ये श्री श्री श्रेष्ठ 108 कहने वाले, कहाँ भारत को स्वर्ग बनाने वाला और यहाँ भारत में जन्म भी लेते हैं, कौन। शिव बाबा। तो देखो इसको भी पता नहीं है कि
प्रभु शिव बाबा तब आया था, तब आया था हुँ? छत्तीस में आया, तो सैतालीस में आया, छिहत्तर में आया या तब आया है शिव बाबा? शिव बाबा छिहत्तर में आया है, जो दस वर्ष की घोषणा है तो लक्ष्मी नारायण के लिए की गई है। राम कहो शंकर कहो और शिव शंकर एक तो नहीं है ना, तो देखो जन्म से लेकर के शिव बाबा की हिस्ट्री चाहिए। आते तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो छत्तीस में आए, सैतालीस में आए, छिहत्तर में आए, एक सेकंड में जीवन मुक्ति किसी की हुई है? तो बताते हैं भक्ति मार्ग में मानते भी हैं, गायन भी करते हैं महाशिवरात्रि। जब उस दुनिया में घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि होती है तब आते हैं। 500 करोड़ की दुनिया तो अज्ञान अंधकार में है ही, जो अपन को ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण कहते हैं वो भी अंधकार में। देखो शिव बाबा कब आया इसकी हिस्ट्री चाहिए। तब जानेंगे कि पहले नंबर में शिव जयंती, और शिव तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है ना, और ये तो मनुष्य कहे जाते हैं, कहते ही रहते शिवो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वम्। तो देखो ये शिवो हम कहने वाले कितने डर्टी बन गए, तभी बाबा आकर के उलाहना देते हैं तुमने मेरी कितनी ज्ञानी की है। कहते हैं ना यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब भारत में भगवान की बहुत ग्लानि होती है, ग्लानि कब पूरी होती है? ज्ञानी करते करते मनुष्य पूरे तत्व बन जाते, मार से भी पूरा अंधश्रद्धा का मार, बत्ती मार उसमें भी ज्ञानी, सारे भारत में ज्ञानी ही ज्ञानी। Thank you.